ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों आज आपको जानकारी दूंगा ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक सूर्य मिथुन राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 जुलाई प्रातः 5:07 पर मित्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इनके राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी आपको जानकारी देंगे। मित्रों सूर्य को ग्रह राज कहते हैं, ग्रहों का राजा। गत वीडियोज़ में भी आपको बताता रहता हूँ सूर्य के बारे में। सूर्य से आपको यश मान सम्मान प्रसिद्धि उच्च पदों की प्राप्ति, खास तौर से सरकारी नौकरियों में राज्य पक्ष में उच्च पदों की प्राप्ति होती है। सूर्य से आपको नेम फेम यश मान सम्मान मिलता है। जातक जहाँ जाता है अग्रगण्य रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ती है, सूर्य के समान चमकता है। अशुभ स्थिति होने पर बहुत प्रयत्न मेहनत करने पर भी समय समय पर अपयश का भागीदार बनना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आदमी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। तो मित्रों यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, चंद्र राशि नहीं मालूम है परिचित नाम से देख लीजिए, और चैनल पर रहे हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। यह जो परिवर्तन है इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेष राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यहाँ पर आपके चौथे भाव में संचार करेंगे, मित्र राशि में, लेकिन चौथे भाव में सूर्य प्राय बहुत शुभ फल प्रदान नहीं करते। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनसे कोई वर्थलाप व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में यहाँ पर डाल सकता है। बहुत सोच समझ कर अगर जरूरी है किसी मकान में प्रवेश करना, वाहन घर में लाना, तो शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। यथासंभव हो सकता है तो कुछ समय के लिए इसको टाल दें। घर में समय समय पर थोड़ा अशांति का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है समय समय पर। तो मित्रों अब सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे और शनि अभी कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो सूर्य शनि का षडाष्टक दोष भी यहाँ पर बनेगा, तो इसके भी थोड़े बहुत आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो मित्रों करियर की दृष्टि से ठीक रहेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, कोई बदलाव चेंजेस लाना चाहें नौकरी में कार्य व्यवसाय बिजनेस में तो आप ला सकते हैं, जितने एफर्ट्स मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, लाभ गेन करेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी आपकी। दूसरा यहाँ पर जो आपकी स्थिति बन रही है परिवार वालों का कोई लाभ सहयोग, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि, परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं, भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, शुभ रहेगी, सोर्स ऑफ इनकम आपका ठीक रहेगा, बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है और दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, पति पत्नी में मतभेद डिफरेंसेस दूर होंगे, नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं, बिजनेस व्यवसाय पार्टनरशिप में करना चाहते हैं कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कर्जे बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी राहत आपको रिलैक्स मिलेगा, थोड़ा प्रयास थोड़ा प्रयत्न कीजिए, निश्चित रूप से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे कोई वर्थलाप व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट मत होने दें, विदेशों की यात्राओं में कोई व्यवधान रुकावटें आ सकती हैं लेकिन अंततः आपको सफलता भी प्राप्त होगी, लंबी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतें, कोई लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है, आध्यात्मिकता के भाव में कमी रह सकती है, कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं भी पोस्टपोन हो सकती है। तो मित्रों थोड़ा प्रयास थोड़ी मेहनत अधिक कीजिए और अपने पिता के स्वास्थ्य का माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनका आशीर्वाद बनाए रखें और निश्चित रूप से यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक तरक्कीदायक उन्नतिदायक सिद्ध होगा। देखिए मित्रों यह फलादेश चंद्र राशि पर है, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है, तो आप एक बार अपने लगन कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर मेष राशि वाले जातकों की लगन कुंडली या जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा, खासतौर से सूर्य की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है,
तब संभवतः यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर भी सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपकी प्रतिकूल पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्या नमः का एक मिनट तक जाप करें। रविवार को गुड़ से बने मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं और गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन आप काली चींटियों को खिलाएं। तो श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप लगातार इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आप दुष्प्रभाव से बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे और यह परिवर्तन आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।